हेलो एवरीवन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस समय एक मजाक बन के रह गया है क्योंकि कोई बड़े चैलेंजेस को यूएनएससी हैंडल नहीं कर पा रहा सही तरीके से। आज मैं कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करूंगा, जैसे कि क्यों जरूरत है यूएनएससी में रिफॉर्म का, इंडिया किस बेसिस पे परमानेंट सीट मांग रहा है, उसके साथ अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिलता है तो उससे क्या फायदा होगा, भारत के लिए क्या अड़चन है इस सीट को पाने में, सारे टॉपिक पे अच्छे से बात करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। यूएनएससी में रिफॉर्म की क्यों जरूरत है, यह एक बड़ा सवाल है। इसका आंसर भी आपको अभी मिलेगा। पहला कारण है अनडेमोक्रेटिक यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें ज्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन खुद अनडेमोक्रेटिक की तरफ बिहेवियर करता है। यहां उसी का पावर चलता है जो अमीर देश है, गरीब को कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता। दूसरा कारण लीडरशिप की कमी। आप कोई भी बड़े मुद्दे ले लो, यूएन कभी कुछ नहीं कर पाया है, चाहे मिडल ईस्ट में सालों से क्राइसिस, अफ्रीका में क्राइसिस, इजराइल फिलिस्तीन का लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट, यहां तक कि दुनिया के बड़े चैलेंजेस लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को लेके भी सही तरीके से कोई पॉलिसी नहीं बना पाया है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण वीटो पावर का मिसयूज। आप अच्छे से जानते हैं सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर यूएस, चाइना, रसिया, यूके और फ्रांस के पास ही वीटो पावर है। वीटो का मतलब है, सोचो अगर ड्राफ्ट आया यूनाइटेड नेशन में, उसको अगर रोकना हो तो वीटो कर दिया जाता है। कोई एक देश भी वीटो कर दिया तो ड्राफ्ट आगे नहीं बढ़ता है। 1990 से अब तक यूनाइटेड स्टेट ने 16 बार वीटो कर चुका है, रसिया 17 बार कर चुका है, जिसमें से सिर्फ 8 बार तो वो सीरिया को लेके कर चुका है। वहीं चीन को तो आप अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान के फेवर में कई बार वीटो कर चुका है इंडिया के रिजोल्यूशन के खिलाफ। देखो, भारत नॉन परमानेंट मेंबर कई बार रह चुका है, लेकिन परमानेंट मेंबर बनने के लिए सालों से जूझ रहा है। एक अनफैक्चुअल बात है कि जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका ने यूएन में परमानेंट सीट के लिए ऑफर किया था 1955 में, लेकिन उन्होंने यह सीट चाइना के लिए गिव अप कर दिया। इसको लेके एक एविडेंस दिया जाता है, एक लेटर को जो नेहरू ने अपनी सिस्टर विजया लक्ष्मी को लिखा था। उनकी सिस्टर भारत के यूएस में राजदूत भी रह चुकी है। उस लेटर में यह लिखा गया है कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। कई सारे हिस्टोरियन का यह कहना है कि नेहरू ने यह सीट इसलिए मना कर दिया ताकि एशिया में स्टेबिलिटी बना रहे, लेकिन बाद में लोकसभा में नेहरू ने कहा कि भारत को ना फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल ऑफर हुआ है परमानेंट सीट के लिए। उन्होंने कहा, जो प्रेस में आया है लेटर को लेके, इसमें कोई प्रूफ नहीं है और यह बेसलेस है। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन यूएन चार्टर के हिसाब से चलता है और यूएन चार्टर यह कहता है कि कोई न्यू परमानेंट मेंबर का इंक्लूजन के लिए अमेंडमेंट लाना होगा, तभी पॉसिबल है किसी भी न्यू कंट्री के एडिशन का। देखो, भले ही उस समय भारत का सिचुएशन सही नहीं था, लेकिन भारत अब हर मामले में अग्रिम देशों की सूची में आता है। एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, अगर भारत को परमानेंट सीट मिल गया तो क्या होगा? देखो, इससे भारत के वैल्यू में काफी इजाफा होगा। पहला, भारत के डिसीजन का एक वर्थ होगा जियोपॉलिटिक्स में। दुनिया के हर बड़े इश्यू पे भारत का पक्ष को दुनिया को मानना होगा। दूसरा, यूएन के डिसीजन को आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, खास करके हम चीन और पाकिस्तान के कुटिल चालबाजी को आसानी से निरस्त कर सकते हैं। यहां तक कि इससे कश्मीर पे भारत का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ेगा, यहां तक कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेके भी। तीसरा, इंडिया का प्रेस्टीज पूरे दुनिया में और ज्यादा बढ़ेगा। चौथा, भारत के लिए टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को लेके न्यू पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने का रास्ता और आसान होगा। इंडिया किस बेसिस पे क्लेम कर रहा है कि उसे परमानेंट सीट मिलना चाहिए? पहला कारण है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और आने वाले टाइम पे फर्स्ट पे आने का अनुमान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत की दावेदारी।
अगर इकोनॉमी में देखो तो भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। वहीं भारत अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में देखो, पीपीपी के टर्म में, तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत का एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होना भी भारत की दावेदारी मजबूत करता है। अब देखो अड़चन क्या है इसमें। आलोचकों का कहना है कि भारत ने अभी भी एनपीटी पे साइन नहीं किया है और 1996 में सीटीबीटी पे भी साइन करने से मना कर दिया। यह दोनों ट्रीटी न्यूक्लियर ट्रीटी है। चाइना के पास वीटो पावर होना सबसे बड़ा रुकावट है भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट सीट को लेके। देखो भारत भले ही वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी एक बड़ी जगह रखता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी पुअर परफॉर्मेंस है। यह भी एक कारण है। देखो सिर्फ भारत अकेला ही नहीं है जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपना दावा ठोकता है। भारत को G4 कंट्री मेंबर्स जापान, ब्राजील, जर्मनी से सीधा कंपटीशन है। एक और बड़ा कारण जो भारत के दावेदारी में कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहा है, भारत भले ही बड़ा मिलिट्री पावर है, लेकिन इंडियन ओशन से आगे अभी तक भारत का मिलिट्री अनटेस्टेड है। हाँ ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाते जा रहा है। उसके साथ एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत अभी अपना मिलिट्री इक्विपमेंट दूसरे देश से खरीदता है। यह सब कारण की वजह से कोई ना कोई अड़ंगा लग जाता है भारत के परमानेंट सीट को लेके। उम्मीद है आने वाले टाइम पे यूएन में रिफॉर्म होगा और भारत को उसके पोटेंशियल के हिसाब से जगह मिलेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।